सिगिरिया किला श्रीलंका में सबसे अधिक देखी जाने वाली साइटों में से एक है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सिगिरिया मध्य श्रीलंका में एक प्राचीन गढ़ के खंडहरों से शामिल एक साइट है जिसे 50वीं शताब्दी के अंत में एक उल्लेखनीय अखंड रॉक पिल्लर पर बनाया गया था। चट्टान समुद्र तल से 1144 फीट 349 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ती है और आसपास के मैदान से लगभग 600 फीट 180 मीटर ऊपर है। कहा जाता है कि सिंहली राजा कश्यप प्रथम, जिन्होंने 477 से 495 तक शासन किया था, राजा कश्यप ने इस स्मारकीय कृति का निर्माण किया था। राजा कश्यप का जीवन और शासन विवादों से भरा रहा। सिगिरिया का इतिहास बताता है कि राजा कश्यप का जन्म एक गैर शाही प्रेमिका से हुआ था और उन्हें सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं था। नतीजतन उसने अपने राजा पिता धतुसेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया, उसे कैद कर लिया और अंततः उसे मार डाला और उसे एक दीवार में डाल दिया। इसके बाद राजा कश्यप ने सिगिरिया किले को अपने शाही निवास के रूप में चुना, क्योंकि वह अपने भाई मुगलाना सिंहासन के असली उत्तराधिकारी के संभावित हमलों से चिंतित थे। सिगिरिया के ऊपर से उसे आसपास के क्षेत्र का अबाधित दृश्य दिखाई दे रहा था। यह भी विस्तृत रूप से माना जाता है कि राजा कश्यप ने सिगिरिया को अपने निवास के रूप में इस्तेमाल करने से पहले खड़ी चट्टान एक बौद्ध मठ था। कश्यप की मृत्यु के बाद 14वीं शताब्दी में इसे छोड़ दिए जाने तक इसे एक बार फिर मठ के रूप में इस्तेमाल किया गया था। राजा कश्यप ने इतनी अधिक पॉलिश की हुई एक मिरर वॉल बनाई कि वे चलते चलते अपना प्रतिबिंब देख सकते थे। महिलाओं के चित्रों से ढकी 140 मीटर लंबी और 40 मीटर ऊंची एक दीवार का भी प्रमाण है, जिसे सिगिरिया फ्रेस्को के रूप में जाना जाता है। ये पेंटिंग आज भी थोड़ी रूप से दिखाई देती हैं। सिगिरिया किले के अजूबों तक पहुंचने का एकमात्र तरीका सीढ़ियां लेना है। चट्टान 200 मीटर ऊंची है और विजिटर ऊपर तक कई सीढ़ियों के बीच विभाजित 1200 सीढ़ियां चल सकते हैं। सिगिरिया के उद्यानों को दक्षिण एशिया में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित जल उद्यान के रूप में जाना जाता है और इसे दुनिया के सबसे पुराने प्राकृतिक उद्यानों में से कुछ माना जाता है। सिगिरिया को व्यापक रूप से दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है। इसके अलावा यह 1831 तक नहीं था कि परित्यक्त सिगिरिया की खोज की गई थी। 1982 में सिगिरिया की साइट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बन गई थी। कुछ कहानियां हैं जो आपको विश्वास दिलाती हैं कि सिगिरिया लायन रॉक वास्तव में वह स्थान था जहां रावण का महल था, लेकिन सबसे लोकप्रिय मान्यता यह है कि सिगिरिया राजा कश्यप की राजधानी थी। दरअसल उससे पहले यह एक बौद्ध मठ था। फिर भी सिगिरिया रॉक अपनी गौरव के लिए सही है। सिगिरिया दुनिया का 8वां आश्चर्य है। इतिहास का यह संस्करण सिगिरिया चट्टान के शिखर को रावण के चमचमाते महल का स्थल मानता है, जो मजबूत सोने से बना है और कुबेर द्वारा तैयार किया गया है। माना जाता है कि 50वीं शताब्दी पहले बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि महल में रावण और उसके विजिटर्स के लिए एक स्पेशल लिफ्ट थी। इस विशाल शिलाखंड के तल पर गुफाओं में से एक है जहाँ रावण ने सीता को कैद किया था। राजा रावण, जिसे अक्सर 10 सिरों के साथ चित्रित किया जाता है, वास्तव में श्रीलंका के इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। 10 सिर उन 10 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उसके राज्य में शामिल थे। वे ज्ञान के 10 क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें वह एक विशेषज्ञ थे। वह एक महान प्रवर्तक और एक महान चिकित्सक थे। ऐसा माना जाता है कि सिगिरिया महान राजा के महलों में से एक हुआ करता था। पाम लीफ बुक रावण वाथा के अभिलेखों के अनुसार सिगिरिया का निर्माण राजा विश्ववास द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत किया गया था। वह राजा रावण के पिता हैं। पुस्तक में भित्तिचित्रों का भी वर्णन किया गया है। रावण वाथा के अनुसार भित्तिचित्रों में नीले रंग की महिला यक्का जनजाति का प्रतिनिधित्व करती है और अन्य महिलाएं नागा, देव और गंधर्व जनजाति का प्रतिनिधित्व करती हैं। सिगिरिया में नैपेना गुहावा कोबरा हेड केव नाम की एक गुफा है। कहा जाता है कि राजा रावण ने सीता को इस गुफा में बंदी बनाकर रखा था। प्राचीन पुस्तक में यह भी कहा गया है कि राजा कस्पा ने सिगिरिया को अपने महल के रूप में चुना और शानदार चट्टान किले की शानदार महिमा को पुनर्जीवित लगभग 1250 सीढ़ियां चढ़ने में लगभग 1 से 2 घंटे लगते हैं।
इसके अलावा प्रमुख आकर्षण दर्पण की दीवार, भित्ति चित्र, शेर के पंजे, सिगिरिया पानी के टैंक और महल के खंडहर हैं। रामायण के अनुसार रावण ने भगवान राम के साथ लड़ाई कर अपना सब कुछ खो दिया था। यह लड़ाई इसलिए लड़ी गई थी क्योंकि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। उनको वास्तुकला, शास्त्रों में ज्ञान और ज्योतिष की अच्छी तरह से जानकारी थी, इसलिए कहा जाता है कि उनके 10 सिर इसी कारण से थे। वे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष पर किताब लिख चुके हैं जिसका नाम रावण संहिता है, जिसे ज्योतिष की सबसे बेहतरीन किताब माना जाता है। इस वजह से उनमें बहुत अधिक आत्मविश्वास और अहंकार आ गया था। इसी का परिणाम था कि भगवान राम ने उन्हें लड़ाई के दौरान मार डाला था। तो ये थी रावण की सोने की लंका। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।